डालते हैं फाइनली गई सारी अंदर गई 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 सारी क्यूब भाई। सुल्तान तो मजे ले रहा, दिखाओ ना यार। ओए होए होए पास पास। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गर्मी वाह हो गई है बहुत ही ज्यादा, आज तो समझो रिकॉर्ड ही टूट गया है। और सिकंदर और सुल्तान अंदर काबू भी नहीं हो रहे, काफ़ी टाइम से जो है ना इनको अंदर रोका हुआ है। अभी दिन का टाइम है, बाहर भी नहीं लेके जा सकते, रात को बंदा किधर लेके जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी इन दोनों के लिए और अपने लिए मैं एक ड्रिंक बनाने वाला हूँ, साग उगाने वाला। वो मैंने सामान लाया हुआ है, मैं चल के बनाता हूँ खुद और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि वो कैसा। वो तस्वीर में बहुत ही ज़्यादा ठंडा आता है। आओ भाई चले। सिकंदर शू किधर हैं? चल आ शू पहन, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुल्तान आ जाओ। अभी जो है ना इनके लिए टैंकी भी, जो स्विमिंग पूल था छोटा, उसको भी सेट करना है, लेकिन पहले आए ड्रिंक और फिर उसके बाद टैंकी। आओ चलें, आ जाओ आओ। बाबा जा रहे हैं, ये एक बार बाहर निकले फिर अंदर इनको जाने का बिल्कुल मूड नहीं होता। आओ शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ ना। ये मैंने लाया था सागुदाना, ठीक है, ये इसे कहते हैं सागुदाना। और जेली का पैकेट, रफान वाली बेस्ट है, वो रफान वाली मिली नहीं इसलिए मैं नेशनल वाली ले आया था। एक दूध का पैकेट ऑलपर और जामी चीरी, वो तो सारे पीते हैं नहीं। आप तो जल्दी जल्दी से जो है ना शुरू करते हैं, ये वाले पतीले ले लेते हैं, इसमें इस पैकेट को खोलते हैं, इधर से एक कप भी ले लेते हैं। ये होता ये साफ ही है, एक कप सागुदाना ठीक है डाल लेते हैं इसमें। चल ना लो जी, एक कप सागुदाना ठीक है इसमें डाल दिए। चार कप पानी, एक दो तीन चार कप पानी। अब इसको रख देना है चूल्हे पे, ये चूल्हे पे मैंने रख दिया। ये सागो दोनों साफ़ ही होता है, इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। और फ्लेम कर देते हैं दी ऑन, दरमियानी फ्लेम पे इसको तकरीबन 15-18 मिनट इसको बॉईल करना है। जब ये सागो दाना बिल्कुल क्रिस्टल हो जाएगा, ये वाइट से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, समझो ये तैयार है। जब तक ये पकती है हम जेली बना लेते हैं फटाफट से। एक पतीली और ले लेते हैं ऐसे, इसमें डालते हैं जी दो कप पानी, एक और ये दो कप पानी हो गया, बेशुमार है। ज़्यादा पतला करेंगे ना तो जेली का वो मज़ा नहीं रहता, ठीक है, लालच वाली बात है ना, लालच नहीं करनी। इसको काटते हैं और इसको इधर रख देते हैं। ये देखें ये उबल रही है और ये काफ़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। जो लोग बनाते रहते हैं उनको तो पता है, जो लोग नहीं बनाते उनके लिए एक नई चीज़ है कि ऐसा भी हो सकता है। इसकी फ्लेम कर देते हैं जी ऑन। मेरे ख्याल से जेली बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है, बहुत आसान है। पानी जो ना मेरा बॉयल होना शुरू हो गया, अभी इसमें जेली डालते हैं। जेली के पैकेट को इधर से खोल लेते हैं, ये पानी बॉयल होना शुरू हो गया, अभी इसमें थोड़ी थोड़ी ऐसे करके जेली डालेंगे और साथ में इसको हिलाते जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। सारी जितनी चीनी है ना इसके अंदर वो सारी डिजॉल्व हो गई है। ओए होए 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 खतरनाक काम। अब इसको कर देते हैं बंद, ठीक है, बस थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे हो जाए या किसी और चीज़ में इसको डाल के इसको मैं फ्रिज में रख देता हूँ। इसको डाल देते हैं किसी ट्रे में, मुझे तो यही मिला है। सुल्तान पीछे हो, पीछे हो, इस ट्रे में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह गरम गरम। अब इस ट्रे को रख देंगे फ्रिज में। इस ट्रे में जब इसकी स्लाइसिंग काटेंगे ना, बड़े मज़े की स्लाइसिंग होंगी। ये मेरा फेवरेट ट्रे है, इसमें मैं बिरयानी खाता होता हूँ, ये मैंने लाहौर से लाया था।
तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और अपना सागुदाना तैयार हो गया। देखें क्रिस्टल क्रिस्टल हो गया, ये थोड़ा सा ना फूल भी गया। अब इसको कर देते हैं जी बंद। इधर से ले लेते हैं ये वाली टोकरी, बेस्ट है। मैं इसी में ज़्यादातर सागुदाना डालता हूँ, तो वो कोने में जो छानते हैं ना उसमें काम थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए इसको उठाते हैं। किधर गए, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे डालना है। ये डाल दिया, इसमें डालते हैं ठंडा पानी ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना ये रुक जाए फौरी तौर पर। इसको इसमें से निकाल के ना इसमें डाल देते हैं ऐसे। अब तुमको समझ लग गई होगी कि ऐसा सिस्टम है। तो ये दाने सागुदाने के बिल्कुल तैयार है। इसमें सबसे मुश्किल प्रोसेस जो होता है ना वो यही होता है कि इसको तैयार करना। ये तैयार हो गया, अब बाकी काम तो फटोफट ही हो जाएगा। अब ले लेते हैं पतीली, वो भी एक, ये मेरे हाथ से ठीक है, बिल्कुल मुनासिब है। इसमें डालते हैं दूध, ये 1.5 किलो दूध है और 1.5 किलो सारा ही डाल देते हैं। वो जो भैंसों वाला दूध है ना वो थोड़ा पतला होता है, ये गाढ़ा है, मज़े का होता है। आप भैंस वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, गाय वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें डाल देते हैं ये साबुदाना गया जी अंदर। तो इसको रहने देंगे ऐसे ही ताकि ये और गाढ़ा हो जाए। इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये साबुदाना, ये थोड़ा सा और फूलेगा, अभी और थोड़ा सा मोटा होगा, गाढ़ा हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, अब इसको रख देते हैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद इसमें ऐड करेंगे जामिश्री। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और बस 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी सारा और गाढ़ा हो गया है। अब इसमें डालेंगे जामिश्री। सुनो ना, ओ सर ये पीना नहीं है, सुनो कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो मुझे 2 मिनट के लिए मिक्स करते हैं। ओए होए 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 क्या रंग आया है। इसे चेक करते हैं, रुको 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 1 मिनट रुको। इसको साथ साथ जो है ना थोड़ा सा चेक भी करते रहेंगे कि इसमें मीठा कैसा है, साथ में सुल्तान भी चेक करता रहेगा ना। थोड़ा सा जामिश्री और इसमें ऐड करते हैं। मैं इसमें चीनी नहीं डालता, लोग थोड़ा सा जामिश्री डालते हैं ताकि बाकी चीनी डाल देते हैं कि इसमें रंग जो होता है इसका लाइट रहता है, लेकिन मुझे इस तरह का पसंद है। चीनी में आगे जामिश्री में काफ़ी चीनी पड़ी हुई है। फाइनल टेस्टिंग करते हैं। कैसा है, हेलो कैसा है, हाय एक अदद सागुदाना। अब फाइनली फाइनली आखिरी बारी है जेली की, जेली निकालते हैं, इसको काटते हैं। ओए जेली की कटाई करते हैं एक तेजी छुरी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, 2 आप लोग कोई और फ्लेवर भी ले सकते हो, मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है इसलिए मैंने ये ही लिया है। लो जी इसकी साइडें जो है ना इसे छुड़ा लेते हैं, साइडें छोड़ देगी। ओए क्या कर रहे यार। और अब डालते हैं फाइनली गई सारी अंदर, गई 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 सारी क्यूब इसके अंदर। और सुल्तान को तो देनी, ये लो कैसा है, मज़े का, खुद भी चखते हैं ना। इसको फाइनली मिक्सिंग करने का
माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। ये काम हमारा अब फाइनली डालते हैं, उसको चखते हैं जी। इसमें चखो भाई कैसा है। ऐसे उठा लिया आपने, कैसा है? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। भाई सुल्तान मजे ले रहे, मजे ले रहे, मजे मजे कर रहे हैं। मैंने पहले दो तीन बार जो है ना, काफी अरसा पहले इसको मैंने बनाया था, मैंने ने आज तक इस तरह का ड्रिंक ना बनाया ना चखा है। तो ये स्मैरा से जज करवाएंगे कि कैसा है। इसको मैं रखने लगा हूँ फ्रिज में, और अभी रोटी का टाइम है, भूख लगी है सख्त। मेरे को बोलते हैं रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद खाना शाना खाने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि कैसा बना है। स्मैरा पास करेगी तब मजा आएगा। A few moments later. तो खाना शाना अपना आ गया है। आज बना हुआ था मुर्गा चिकन। फाइनली दोनों छोकरे सो के जाग चुके हैं, और ऑलमोस्ट शाम का टाइम होने वाला है, बस कोई आधे घंटे तक मगरब हो जाएगी। और अपना जो बनाया था ये सागुदाने वाला, ये बिल्कुल ओके है, तैयार है और ठंडा हो चुका है। और अब ये पहले डाल के देते हैं स्मैरा को, स्मैरा चखेगी और साथ ही सिकंदर सुल्तान को। लो जी बिस्मिल्लाह। सिकंदर का है और ये छोटे वाला सुल्तान का है। देखो छोटे छोटे गिलास मैंने ढूंढ के लाए हुए हैं स्पेशल सुल्तान का, ये सिकंदर का। साथ डाल देते हैं जी एक चम्मच स्मैरा को, इसको ढांप देते हैं, अब बताएंगे कि कैसा है। प्लेट ले लेते हैं जी, एक दो। आओ जी मैडम बैठी भी है, ये बताएगी ये कैसा है। हाँ जी सुल्तान कैसा है भाई? सुल्तान तो मजे ले रहा है, दिखाओ ना यार। ओए होए होए होए, दो पियो, आप भी पियो। बिस्मिल्लाह को बोलो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चेक करो कैसा है, चख के पास करके बताओ कि ये कैसा है। बहुत मजे ना, बहुत आला मजा आया। आज तो सुकून आ गया, बहुत मजे का मजा आया। दोनों छोकरे जो है ना मेरे खुश हैं क्योंकि एक मजे की चीज बनी है। ये देखो इसको खाओ भी और पियो भी। जेली भी है ना, ही इनको समझ आती है इनको खाना है, ना इनको समझ आती है कि पीना है। पास मजे पास। घर में आप लोग भी ट्राई करो, बहुत मजे की चीज है। ट्राई करके अगर याद रहे तो कमेंट में तुम लोगों को जरूर बताना कि कैसा है। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।